गुड मॉर्निंग गाइस, आज का दिन मज़ेदार होने वाला है बिल्कुल। दो रीजंस है उसके। पहला तो ये कैमरा चेंज कर दिया मैंने, होपफुली थोड़ी सी क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा आपको। अभी बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है अंदर, छोटा सा एक बल्ब जगा हुआ और डिस्प्ले में देखने में तो ठीक ठाक सा लग रहा है। फुटेज जो मेरा पहले वाला कैमरा था उसमें लो लाइट में शूट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। जो मेरा जिम है वहाँ पर भी लाइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो वहाँ पर शूट करने में दिक्कत होती थी। तो होपफुली अभी ज़्यादा कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मैंने लिया कौन सा है, ये है सोनी का है ZV-E10। इसके ऊपर मैंने सिग्मा का लेंस लगाया हुआ है, 1.4 16mm 1.4 वाला लेंस लगाया हुआ है, और होपफुली इससे थोड़ा सा बेटर होगी वीडियो की क्वालिटी। 4K में अभी रिकॉर्डिंग किया करूँगा, पहले 1080p में करता था। पहले मेरे पास था कैनन का 200D, उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और 1080p पे ही तक ही वो कर सकता था शूट, तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी थोड़ी बहुत होपफुली। एंड दूसरी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बेंच प्रेस के लिए आज मैं अपनी PR चेक करने जा रहा हूँ। पहले मैंने ओवरहेड प्रेस में की थी, मैक्सिमम 80 किलो मैंने उठाया था वज़न, और आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बेंच प्रेस में मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जो पुश मसल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मैं ठीक ठाक सा वज़न उठा लेता हूँ। तो देखता हूँ कि बेंच प्रेस में कितना मैं मैक्सिमम वज़न उठा सकता हूँ। ओके, सो वार्म अप से शुरुआत। एंड मेरे साथ एक और लौंडा चेक करेगा PR, वो है गुरकरण। दोनों एक साथ करेंगे। कितना कितना लगा लेगा, पहले कभी लगाया तूने? कह रहे 60 तक चले जाऊंगा। चल मेरी चेक नहीं की, मैंने भी किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 100 से ऊपर चला जाऊंगा। पता कितना जाऊंगा ये नहीं पता, लेकिन 100 से चला जाऊंगा ऊपर। Myself. अभी 90 किलो गुरकरण, बस मुझे लगता नहीं है 100 नहीं पहुंचेगा तू, सेंचुरी नहीं मार पाएगा तू। कितना है? 110। अरे है, अरे हो रहा है। जब मैं चीक मार दांगना फिर आ जाओ, उदन आयो। अच्छा आओ, ਪੁੜਕ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਰਖੀਤ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੋਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਸ ਬਸ।
और ऐसा वेट आपने देखा कि एक तरफ गिर गया था मुझसे, एक्चुअली मैंने रैक कर दिया था लेकिन क्योंकि रॉड के ऊपर वजन बहुत ज़्यादा था तो वो जंप खा के ना रैक से जंप खा के वापस एक तरफ नीचे गिर गया, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई चोट वगैरह नहीं लगी। बट एनीवेज 115 किलो मैंने मैक्सिमम क्लीन उठाने में मैं कामयाब रहा। उसके बाद मेरा मन था कि और अटैम्प्ट करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब इस तरह की कोई बात हो जाए ना तो फिर छोड़ देना चाहिए, मतलब ये एक वार्निंग होती है कि बस कर भाई। तो नेक्स्ट टाइम कभी और चेक करूँगा कि मैक्सिमम कितना जा सकता हूँ। फिलहाल के लिए 115 किलो मैंने उठाया बेंच प्रेस में। अगर आप उठाते हो कभी बेंच प्रेस में, या फिर कोई सेफ्टी रखनी चाहिए थी, या क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता नहीं है, मैंने कभी भी अपनी पी आर वगैरह चेक नहीं किए, तो अगर कोई सजेशन है आपके पास तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट बार जब मैं ट्राई करूँ तो मैं उन चीज़ों का ध्यान रखूँ। और मज़े करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, बैडास।